यार ये टनल तो बिल्कुल अंडरग्राउंड जा रहा है। यो मेरे को लगता है कि बाबा टीटू का सीक्रेट अड्डा मेरे को मिल चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर केस खोल के देखूं, यहाँ पर कार्ड पड़ी हुई है और यहाँ से ओ माय गॉड। तो गाइस यो यहाँ से कार्ड गायब है, इसका मतलब ये है कि बाबा टीटू ने शायद वो कार्ड यहाँ से यूज करके अपने बेस के अंदर गया होगा। तो अगर मैं दूसरी कार्ड निकाल के बाबा टीटू का पीछा करूं तो आज हम बाबा टीटू को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ए रुक भैंस की, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। एंड लेट्स गो भाई, ये केव कहां पर जा रहा है और ये अनजान सी रेडस्टोन वाली लाइट यहाँ पर पड़ी हुई है। और मेरे को लगता है गाइस लिटरली कोई ना कोई पंगा है इस केव का और बाबा टीटू का कोई ना कोई लिंक है। और इतने सारे टॉर्चे कहां से लेके आया बाबा? बस आपको तो पता है गाइस आजकल के बाबा जो हैं बहुत छतान हो रहे हैं, इतनी सारी टॉर्चे कहां से लेके आते हैं यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई। पूरे 500 साल लगता है बाबा टीटू ने यहां पर रेस्टोरेंट खोजा होगा और उसके साथ लकड़ियां जोड़ी होंगी। और ये नो ओ नो ओ भाई, ये तो हीरो खोदूंगा तो बिल्कुल हमारे सामने पिरामिड होगा और यहाँ पर साइन भी लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा है लीव नाउ। हाँ मैं जा रहा हूँ, हम सारे जा रहे हैं, हम सारे जा रहे हैं, हम यहाँ पर आए नहीं थे और हम यहाँ पर आए नहीं थे। हीरो ब्रांड भाव जी कैसे हो? मामा जी कैसे है? वो मेरी तरफ देख रहा है। हेलो अंकल जी, देख अगर ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो भाई मेरे पास ऑगी का बुआ, मैंने तेरे को यहीं पर लपक लेना। और भाई कहे का हीरो ब्राइन, लॉगी को तो मार नहीं सकता, अपनी प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आ रहा है। अंकल जी कैसे हो? अगर तू असली वाला हीरो ब्राइन है तो तू मेरे को आज ओपी टूल्स देगा जिसकी मदद से मैं लॉगी को मार सकता हूं। तो गाइस मेरे को लगता है कि ये बंदा जो है थोड़ा बहुत फ्रेंडली बन चुका है, मेरे ऊपर अभी तक अटैक नहीं कर रहा। नॉर्मली गाइस अभी तक तो मेरे ऊपर अटैक करके मेरा बारबेक्यू इसी हाथ के ऊपर बना देगा, लेकिन आज जो है चाचू जी एकदम शांति से खड़े। तो आग बुझा दे, अगर मेरी आग जल गई तो तू जल जाएगा पूरा यहाँ पर। पता नहीं कौन से सेकंड क्लास डायलॉग मार रहा हूं मैं आज इसके ऊपर। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ओ भाई यो जी मेरे को आयरन लेके ट्रेडिंग कर रहा है, मेरे बिजनेस। ओ हीरो ब्रांड बिजनेस करेगा तो इसको क्या चाहिए गाइस? अगर मैं इसको आयरन दूं तो ये मेरे को ये वाली चीजें दे सकता है और ये वाली चीजें लगता है मेरे को होलॉगी को मारने के काम आएंगी। ओ भाई लगता है आई थिंक गाइस ये हीरो ब्रांड मेरी हेल्प करने वाला है। थैंक यू, तेरे पास इतना सारा आयरन ऑलरेडी पड़ा हुआ तो जाके ले ले। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, मेरे पास तो ऑगी की सोर्ड है तो मैं 2 सेकंड के अंदर गाइस सारा माइन करके यहां पर मैं ब्लास्ट फर्नेस। क्या बात है, एकदम बढ़िया सिक्योरिटी इसकी, एकदम टाइट है यहाँ पर यार। मतलब कि सब कुछ रखा हुआ है, ब्लास्ट फर्नेस रखा हुआ है और ब्लास्ट फर्नेस के अंदर भैंस की 64 स्टैक कोयले के भी पड़े हुए हैं, लेकिन माइन करने के लिए इसको बंदा चाहिए। वेल डन हीरो ब्रायन। तो अभी यहाँ से मुझे आयरन निकालना है और आयरन निकाल के हीरो ब्रायन के ऊपर क्लिक करना है। हेलो मास्टर हीरो ब्रायन जी कैसे हो? एकदम सही लग रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके ट्रेड करते। यो ये एक्चुअली मेरे को तलवार दे रहा है और अभी मैं थोड़े बहुत एंडर पर्ल भी ले लेता हूँ। ऑब्वियसली पीवीपी करते हैं तो एंडर पर्ल एकदम इंपॉर्टेंटली काम आएंगे और बाकी जो मेरे पास गंद पड़ा इसका मैं एमरल्ड ले लेता हूँ। हा हा हा, आयरन लेके मेरे को एमरल्ड दे रहा है, थैंक यू। और अभी मैं लॉगिन को बताता हूँ, उसको सही मजा चुकाऊंगा। तो थैंक यू सर जी, मैं फिर कभी आपसे मिलने आऊंगा। भाई साहब नेदरराइट का फ्लोर बना के रखा है और एकदम गोल्ड की चौकी। हाँ ये पैसे वाला हीरो ब्रांड है, लेकिन एनीवेज हाँ मिलता हूँ तेरे को मैं। अभी लॉगी गया, अभी चलते हैं वापस दुबई सिटी के अंदर क्योंकि अभी होने वाला